नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फॉर सीपी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण है अनुच्छेद। आज हम अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद एक किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद एक किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र पहला अनुच्छेद है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा है, अनुच्छेद दो किससे संबंधित है। अनुच्छेद दो है नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद दो किससे संबंधित है, नए राज्यों का गठन और प्रवेश। किसी भी नए राज्य का गठन करना हो तो हम किससे बात करेंगे, अनुच्छेद दो से बात करेंगे। अगला है अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 से मूल अधिकारों से संबंधित है। व्यक्ति के जो मूल अधिकार होते हैं वो 12 से 35 से संबंधित है। मूल अधिकार कितने हैं, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 मूल अधिकार हैं, जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कुल 6 मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, विधि के समक्ष समान। अनुच्छेद 14 की बात करें तो वो संबंधित है विधि के समक्ष समान है, विधि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, वो अनुच्छेद 4 बात करता है। अगला आता है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का अंत होता है, जो छुआछूत होती है अस्पृश्यता का अंत है, वो किससे अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अनुच्छेद 19(1) किससे संबंधित है। अनुच्छेद 19(1) किससे संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। अनुच्छेद 19(1) है वो किससे संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया की जो स्वतंत्रता है उससे संबंधित है। अगला आता अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, प्राणों की व्यक्ति की प्राणों की रक्षा की जाए उससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वो है। अगला आता है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 23 है बाल श्रम एवं प्रतिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है अनुच्छेद 23। अगला आता है अनुच्छेद 37-51 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 37-21 से किससे संबंधित है, अनुच्छेद 37-21 है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद जो 37-51 है वो किससे संबंधित है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला था अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 40 है वो किससे संबंधित है, वो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का संगठन है वो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अगला आता है अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 45 है वो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, जो 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है, वो अनुच्छेद 14 से संबंधित है। अगला आता है अनुच्छेद 51 क किससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 क है वो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 51 क है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। किससे है, व्यक्ति के मूल कर्तव्य है उससे संबंधित। मूल कर्तव्यों को न्यायालय में सुनौती नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, भारत का राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 है वो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 है वो भारत किससे संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति का निर्वासन से संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वासन कैसे होगा, किस पद्धति से होगा, ये लिखा गया अनुच्छेद 54 से संबंधित है, वो किससे है 54 से संबंधित है। अगला अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कैसी होगी, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, उसका वर्णन है अनुच्छेद 61 के अंदर। अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताता है कि राष्ट्रपति महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, वो है अनुच्छेद 61 के तहत। अगला है अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति को समाधान करने की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति कोई भी जो सजा होती है उसको समान कम कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति कोई भी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है तो उसको कम करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। तो समाधान की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद 72 में बताया गया है। अगला 17 क्वेश्चन है अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। अनुच्छेद 74 है भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, वो किस में लिखा गया है, अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। अनुच्छेद 18 नहीं अनुच्छेद 79 क्वेश्चन नंबर 18 अनुच्छेद 79 वो किससे संबंधित है, संसद का गठन कैसे होगा, वो है 79 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 79 है संसद का गठन कैसे होगा उससे संबंधित है। अगला आता है अनुच्छेद 80 और 81 किससे संबंधित है, वो है राज्य या लोकसभा से संबंधित है। राज्य या लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 80 और 81 किससे संबंधित है, लोकसभा।